हेलो गाइस, वेलकम टू देसी रसोई ब्लॉग। तो अभी मैं बाहर से आई हूँ, मम्मी इधर बना रही हैं अपने लिए आलू का हलवा, क्योंकि मम्मी का फास्ट है आज। और दिखाती हूँ आपको। तो मम्मी इधर लगी पड़ी हैं चूल्हे पे, क्योंकि मम्मी को हर चीज़ चूल्हे की पसंद है, इसलिए गैस पे बनाना कम करती है मम्मी, चूल्हे पे बनाती हैं। अभी बनाएंगी आलू का हलवा, क्योंकि आज अष्टमी है तो मम्मी फास्ट रखती है अष्टमी का। और मम्मी ने इधर आग भी जला ली है, और आज तो खूब सारे कपड़े भी धोए मम्मी ने, लगे पड़े हैं पूरी छत पे। इसमें पानी रख रही हैं, आलू उबालने रखेंगी। तो गाइज़ आज हमारे अम्मा बाबा भी आ रहे हैं, अभी बस में बैठ गए, आ जाएंगे रात तक। मम्मी ने आलू उबाले रख दिए हैं। तो गाइज अभी मम्मी इधर कपड़ों की तह लगा रही है, सुबह के धोए थे अब सूख गए। तो आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो गाइज अब बिल्ली के बच्चे भी नहीं आते हमारी छत पे, पता नहीं क्यों नहीं आते। तो गाइज अभी आलू उबले नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मेरे को तो बस हलवा खाना है आलू का। अभी तो सीटी भी नहीं आई। और मम्मी ने इधर कपड़ों की भी तय लगा के रख दी, और कुकर में सीटी नहीं आई। इस बारिश की वजह से ना चूल्हा पूरा गीला हो गया है ना, तो इसमें बहुत धुआं लग रहा है आज, और आग भी बार बार बुझ जाती है इसमें, क्योंकि गीला चूल्हा है, सूखने में टाइम लगेगा। तो गाइज अभी दूसरी सीटी आ चुकी है कुकर में, और थोड़ा सा टाइम और लगेगा उबलने में बस, फिर आलू उबल जाएंगे। गाइज इधर मम्मी के आलू भी उबल गए, और आलू भी हो गए हैं अच्छी तरीके से। मम्मी आलू निकाल रही हैं इधर रात में, उधर कढ़ाई गरम हो रही है, जब तक आलू छीलेंगे। तो गाइस मम्मी गरम गरम आलू छीलने लग गई हैं। तो गाइस मम्मी ने डाला है इसमें पानी थोड़ा सा, अब इसमें डाल रही हैं चीनी, ताकि चीनी की थोड़ी चाशनी सी बनेगी, घुल जाएगी। तो अब ये थोड़ी घुलेगी चीनी इसमें गर्म पानी में, जल्दी। और मम्मी के घर आलू छील गए। तो गाइस इधर मम्मी ने सारी तैयारी करके रख ली है, और मैं गली के बाहर से अभी अम्मा बाबा को लेके आई हूँ। इधर मम्मी की चाशनी भी बन गई है, और आलू भी फोड़ के रख लिए हैं। अभी मम्मी नीचे गई हैं पूजा करने, क्योंकि शाम हो गई, पूजा का टाइम हो गया। अब हो गया है अंधेरा, और मम्मी ने डाल दिया उसमें चाशनी में आलू। मम्मी अभी उसे अच्छे से चला रही हैं आलू को।
देखो हमारा हलवा कितना टेस्टी लग रहा है, लेकिन अभी तो इसमें घी भी नहीं डाला है, अब इसमें घी भी डालेगा। तो गाइज इसमें वैसा साफ घी है और अभी चलाएंगी मम्मी, और दूसरा रहता है उसमें रोटी वोटी चिपड़ते हैं तो उसे मम्मी व्रत में यूज़ नहीं करती, और इसमें थोड़ा सा ही बचा है, पूजा के लिए अलग निकाल के रखती हैं। तो गाइज अभी घी भी डल गया है इसमें और कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे, फिर ये हो जाएगा रेडी। बाकी इसमें कुछ नहीं डलता, लेकिन मम्मी गोला डालेंगी। तो गाइज मुझे तो गोला पसंद नहीं है, गोला भी तो है ना, डाल दो। तो गाइस देखो वैसे तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी मैं ही नहीं खाती तो वो बात अलग है, आप नहीं खाते तो आप भी नहीं डालो। तो गाइस धुआं कितना हो रहा है,